गाइज यहाँ पे ध्यानी जी हो चुके हैं तैयार, सुबह के 5 बजे रखे हैं और ये जा रहे हैं कोलकाता। और यहाँ पे हो गए दोनों बैग पैक। मेरा गला अजीब सा हो रखा है, खराब हो रखा है, तो गेट बुला रहा। दे दे देना उनको, फिर मैं पढ़ा के आ जाऊँ। चलो सो रखे हैं दोनों। तो जब भी वो बाहर जाते हैं अपने दोनों बच्चों को मत करो, उठ जाएंगे फिर हंगामा हो जाएगा खाना का। थैंक यू, मुझे भी मिल गया चॉकलेट खाने के लिए। पहले रिश्तेदार जब जाते थे ना, जब हम छोटे थे, ऐसे ही देते थे हमें। इसमें हल्दी भी लगी हुई है। हल्दी लगी है कि तेल लगाया है किस पे? हल्दी इस पे? हल्दी हल्दी हल्दी। अच्छा चलो, बैठ तो आ जाएंगे परसों, है ना? चलो बाय। जब भी स्पेशल काम से बाहर जाते हैं ना, तो हमारे यहाँ पर ऐसी चीनी खिलाते हैं और मैं हर हमेशा खिलाती हूँ। बाय, चलो बेस्ट ऑफ। तो सुबह सुबह 5 बजे निकल रहे हैं, थोड़ा बालकनी से देख लेते हैं। जब भी ऑफिस जाते हैं ना, तो मैं हमेशा देखती हूँ, आदत है मेरी। तो अजीब सा हो रहा है कि मतलब हम बिस्तरे के अंदर हैं और ये 5 बजे सुबह सुबह ठंड में जा रहे हैं। गाइस, ये अनमोल दृश्य मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए मेरे प्यारे से तो अनमोल रतन सोए हैं। और दीदी की नाक भिचकी हुई है और अपनी दीदी पे पैर वैर सब रखता है। तो ये देखिए मेरे लिए अनमोल पल है ये, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी उनके पापा को भेजूंगी मैं ये। पापा एयरपोर्ट में होंगे और पापा कोलकाता गए हैं सुबह। तो ये देखिए अभी भेजती हूँ, वो बहुत प्यारा आएगा उनको इन पे, इन दो चुनमुनों पे। और ये ना मेरे लिए अनमोल के पल है गाइस, सच में बता रही हूँ। बस आशीष होती है दोनों भाई बहन। गुड इवनिंग गाइस, तो अभी शाम के बज रहे हैं 7:45 और मैं बैठी हूँ यहाँ पे सोफे में और बहुत बेकार लग रहा है। घर में सुबह से मैंने कोई कैमरा नहीं उठाया, बस घर के ही काम किए, थोड़ा मार्केट गई, मार्केट यानी सामने वाले दुकानों पे गई, हमारे घर के पास वाली दुकान पे। और मतलब छोटा सा मार्केट है जहाँ मैं हर सामान के लिए जाती हूँ, और वहाँ से लाई हूँ मैं चावल और कपड़े धोने का इजी। जैसे कि आप लोगों को पता है विंटर सीजन है, तो विंटर सीजन के जो कपड़े होते हैं वो सर्फ में ना भिगा के इजी में, ज़्यादा थोड़ा सा भिनी भिनी सी खुशबू भी आ जाती है इजी के, है ना? तो सर्फ में भी भिगाती हूँ लेकिन थोड़ा सा मैं इजी भी ऐड कर देती हूँ उसमें। और गाइज हस्बैंड जी जा रखे हैं कोलकाता और बहुत बेकार लग रहा है। जब वो ऑफिस में रहते हैं ना, तो ये होता है कि घर पे ही है, मतलब ऑफिस में है। वो अभी बहुत दिनों बाद गए हैं, मतलब 6-7 महीने बाद गए होंगे कहीं बाहर, तो बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है। मेरे साथ बच्चे तो हैं पर बच्चे तो बच्चे ही हैं। श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि अच्छे होंगे। और ये है शाम के 5 बजे का टाइम, अभी 5:10 बजे है लेकिन बजने ही वाले हैं। तो अभी मैंने सुबह से कैमरा नहीं उठाया और मैं काम पे लगी हुई थी गाइस, तो आज बहुत सारा काम किया, ढेर सारा काम किया। और मैं इधर आ गई हूँ अब दूसरे रूम में, और यहाँ पर धुले हुए कपड़े रखे हुए हैं। आज संडे था तो हम सभी नहाए हैं। और ये देखिए ये बाल इतने उलझ रहे हैं मेरे ना, कि बहुत ज्यादा उलझ रहे हैं। ये देखिए मैं इनको कटवाने की सोच रही हूँ, और कौन सा शेप मैं कटवाऊंगी, या तो वी शेप या यू शेप। ये देखिए इनको रख के कोई फायदा नहीं है, पतले हो रखे हैं, और जैसे जैसे थोड़ा सा मेरे बालों की लेंथ बढ़ती है ना, तो वो निकलते जाते हैं निकलते जाते हैं, और कोई दवाई, कोई शैम्पू, कोई मेडिसिन काम नहीं करती है मेरे। मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, अच्छी वाली अदरक वाली, और बर्तन मान लेती हूँ फटाफट से। आज मुझे थ्रेडिंग भी कराने हैं, और देखती हूँ मैं सोच रही हूँ कि पहले मेहंदी लगाऊँ फिर कटिंग करवाऊँ, लेकिन जैसे भी सिचुएशन बनेगी मैं करवा दूंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता है और मैं जा भी नहीं पाती हूँ।
आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही है उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू। और परसों के कपड़े आप लोगों को बहुत अच्छे लगे उसके लिए भी थैंक यू। और किसी ने पूछा था कि आप अपने लिए कपड़े कहाँ से लाए थे, तो बच्चों के कपड़े तो मैंने लाजपत नगर बाहर जो लगते हैं ना वहाँ से लिए थे, और बाबू के मैंने चुनमुन से लिए, चुनमुन जो शोरूम है ना उससे लिए, और जो अपने लिए हैं और अपने लिए मैंने स्टेन मैक्स से लिए। स्टेन मैक्स में आप लोगों को पता होगा ऑल ब्रांड होते हैं, मतलब सारे ब्रांड उसके अंदर होते हैं, तो अपने लिए मैंने स्टेन मैक्स से लिए। गाइस मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय कड़क वाली। ये डाली मम्मी ने चीनी, और मम्मी मेरे लिए भी बनाई दी है चाय। नहीं हो जाएगी नहीं। हाँ जी वो कहाँ से, वो जो हमारी पुरानी पड़ोसी थी ना, हाँ वो बोल रही है नहीं नहीं। तभी उसने सही तरीके से नहीं बोला, नहीं उसने कहा नहीं नहीं। जब उसको डांट पड़ती थी तभी भी नहीं नहीं, मतलब हमेशा अजीब तरीके से मूड खराब नहीं रहती। मम्मी के बालों की लेंथ आप देख सकते हो बहुत लंबी है। कहाँ है लंबी? लंबी कहाँ है? ये कितने ब्रेड बना रहे हो? ये जब जब ब्रेड खत्म हो जाते हैं ना तो ये नीचे वाला भी नहीं छूटता। सही बोला, हम ऐसे ही करते हैं, नीचे वाला भी नहीं छूटता। आ जाओ। तो गाइस ये बन गए। बिल्कुल भी नहीं। हम यहाँ पे करी थी। एक्चुअली पता क्या हुआ, राघव की जो येलो कलर की बस है ना, जो राघव की येलो कलर की बस है ना, वो खो गई थी, तो इसलिए ये शायद संडे या सैटरडे है। आपकी बर्थ डेट याद है आपको? डेट भी याद नहीं है? हाँ फ्रेंड्स, मम्मा को अपनी बर्थ की डेट याद नहीं। मम्मा आप भी ना ये बोले ना पते की बात क्यों नहीं होगी मुझे भी याद? ये तुम्हारी मम्मा जो भूलेगी वो बड़े होके तू भी भूल जाएगी। अच्छा मम्मा जो भूलेगी वो बड़े होके मैं भी भूल जाऊंगी मम्मा, क्या ये सही बात है? इंग्लिश में भूल जाऊंगी मैं? हाँ थोड़ी थोड़ी तो मम्मी की तरह बना बन बोल देगी। मम्मी को थोड़ी थोड़ी आती है इंग्लिश। मम्मा आपको थोड़ी थोड़ी आती है इंग्लिश? नहीं कुड़ी का डिब्बा ना नीचे से टूट गया था, जो उसका वो होता है पंच जो भी कहते हैं, जो पैर से ऐसे करके पुश करते हैं फिर अपने आप खुल जाता है ना ढक्कन, वो टूट गया था, तो अभी जा रही हूँ मैं ला रही हूँ। कर दिया। ये रहा ऊपर मम्मा, ये वाले कितने के? नहीं ठीक है। ये कितने का है? 330 रुपए का। ये हाँ वो कलर अजीब लग रहा था, ये एकदम मतलब प्रोफेशनल टाइप। प्रोफेशनल का डब्बा भी प्रोफेशनल है। ये दस का बच रहा है, पेटीएम कर दो। नहीं यार अच्छी नहीं थी, हाँ। टीवी नहीं चल रहा, नहीं देखना था।
हेलो दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं घर में। आपसे मेरी पहचान ना इसी शॉल में होगी और यही मेरे हाथ पे लगता है क्योंकि हल्का फुल्का भी है, शॉल नहीं है, स्टॉल टाइप में जो मिलते हैं ना घर में। लेकिन और ये 250 रुपए का लाई थी मैं कनॉट प्लेस से पिछली बार। और ये आई लव माय ब्रो है, ये देखिए मैं खा रहा हूँ। फालतू खर्चा। और एक और चीज लाए हम, और एक डस्टबिन लाई हूँ मैं, डस्टबिन दिखाती हूँ आप लोगों। ये हटा देती हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और काना को मैंने आज स्कूल ड्रेस की स्वेटर पहना दी, इसने ना अपनी सारी स्वेटर दिखा दी। मैं कटिंग कराने की बात करके आई हूँ तो उन्होंने कहा 300 रुपए, और थ्रेडिंग के हमारे यहाँ पे सामने मार्केट में 50 रुपीज। तो गाइज ये है डस्टबिन, और ये छोटा है लेकिन चौड़ा है काफी, मतलब ये देखिए। वैसे ये 550 रुपए का है ये देखिए, और मुझे मिला ये 330 रुपए का। और एक मम्मा ये लाई बर्तन की दुकान से, तो बहुत अच्छा है, अच्छा है इसका। जो मैंने मेरा पहले वाला था ना वो बेकार था, तो ये डिस्काउंट में मिल रहा था। ये 120 रुपए के हैं दोनों बोतल, तो अच्छे है ना। मुझे ये दोनों मिल रही थी, डिस्काउंट में लगाए हुए थे उन्होंने, तो मैं ये ले आई। और ये मेरा खत्म भी हो गया था आज ही, पूरा ही खा लो। थैंक यू, वेलकम। तो चलिए गाइस अभी बनाऊंगी मैं खाना, और जब हस्बैंड जी घर पे नहीं होते ना बहुत ज्यादा बेकार लगता है, मतलब इतना घर काट खाने को आता है। ये अच्छा लगता है ना जींस में, कुर्ती में, है ना, मफलर टाइप का। तो इसका मैं निकाल देती हूँ, बंद कर दो, बंद कर दे बाबा। ये अच्छा रहता है, है ना, अच्छा लग रहा है मेरे को। लेंथ अच्छी है और सॉफ्ट है, गर्म है, सॉफ्ट है। ये ऐसे भी ठीक रहता है और ऐसे ऐसे भी ठीक रहता है। जींस जूंस में ना थोड़ा सा, जैसे टी शर्ट में आजकल ना इस टाइप से सही रहता है। हाँ, और यहाँ पे मम्मा आटा गूंथ रही हैं। यहाँ पे मैं ना आटा गूंदने के लिए ले आई हूँ, और अभी सब्जी अभी नहीं काटी है, तो सब्जी काई की बनाती हूँ, देखती हूँ अभी सब्जी, मतलब मैंने अभी सब्जी का मैंने फ्रीज चेक तक नहीं किया है। और आज बनाने वाली हूँ मैं कुछ मीठा। तो ये देखिए यहाँ पर एक तरफ बन रही है सब्जी, थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ मैं और बाबू खाएंगे। काना नहीं खाता है हलवा, इतना ज्यादा उसको अच्छा नहीं लगता। तवा मैंने रख लिया है गैस में, गैस बुझ गई है, बड़े बाप रे। तो अभी बनाऊंगी मैं रोटी, और बाबू पूजा कर रही है, और काना क्या कर रहा है, काना गाड़ी चला रहा है गैस। तो और यहाँ पे मैंने बाबू को बोला है कि बेडशीट बिछा दो, लेकिन बेडशीट नहीं बिछ रही है, और काना की गाड़ियां देखिए गैस। तो ये पूरा जाम लग चुका है, और ये सारी रात भर यहीं पे, और खड़बड़ खड़बड़ हाथ जाएगा ना किसी का, तो बस खड़बड़ाटे करते रहेंगे फिर। और कितना छुपाऊं मैं इनको, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के ले आता मैं गाइस, कितना छुपाऊं। ये देखिए ये सब ये बैठ के ढो में रहेंगे, अभी और लेने जा रहे आएगी दूसरी गन आएगी और दूसरी छोटी सी कार आएगी। अब जगह नहीं है उधर नहीं है बाबू, जगह नहीं है बेटा, उसके ऊपर उसकी सांस घुट रही है, वहां पे मोटू की सांस घुट जाएगी। चलो गाइस को गुड नाइट कर दो। दीदी का पांडा तो यही है सबसे पहले। फाइन, चलो हाय गाइस। हमने रात का खाना खा लिया है, और अभी हम सोने जा रहे हैं, और सारे गाड़ी घोड़े ये सब सो चुके हैं इधर, ये देखिए। बोले गाइज, आप लोगों को अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो लाइक, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।